जय हिंद दोस्तों। और आज हम हमारे सवाई माधोपुर में खेरदा से थोड़ा आगे जीनापुर, ये टोंक कोटा मेगा हाईवे पर पड़ता है, मकान है इनका इंडियन ऑयल के सामने, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने। और यहाँ पर कोई बेसमेंट में सांप आ गया, उसमें पानी आ रहा है बरसात का धीरे धीरे, और लगभग 1.5 फीट पानी भरा हुआ है उसमें। जब बता रहे हैं कि सांप है ब्लैक कलर का काला, देखते हैं कौन सा सांप सांप है, आओ दिखाते हैं आपको नई जानकारी के साथ नए सफर से। आइए ये हम बेसमेंट में आ चुके दादी, हट जा दोस्तों, लाइट जला लो, पानी भरा हुआ है लगभग ये 1 फीट तो कम, 1 फीट से कम ही है, और कोबरा है इसके नीचे, उठाओ इसको। बहुत सुंदर दोस्तों, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग इसको भी बोलते हैं। और ये बेसमेंट में पता नहीं कैसे आ गया यार, बहुत अंदर कमा तो बहुत सारा मकान है, बड़ा सुंदर मकान है, बहुत अच्छा ठीक बड़ा। हां, और पानी कैसे आ जाता है इस बेसमेंट में सर? बचा में साथ है भाई दादा, ये इसी साइड की मिल रहा है आजकल, 6-7-8 महीने, 6-7-8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, साल भर इसके ऊपर ही रहेंगी। बहुत सुंदर था मौज आ रही है, बच्चा बालक है यार, दोस्त दोस्त मेरे बालक हो गया। करने की आदत पड़ रही है जिस दिन मंदिर पे आए थे ना पकड़ने, वो तो बहुत बड़ा था यार, उससे कम से कम 4-5 गुना बड़ा होगा। हाँ, 5 गुना बड़ा, वो मंदिर पर पकड़ने आए थे, उस पास से मैंने नंबर लिए उनके, और वो आके पूछा उनको कॉल करते नहीं आ जाते हम तो यार, दुकान पर बैठे थे, दुकान जीव को लेके चलते हैं, बहुत सुंदर जीव है, उसको बोलते हैं हम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग। और ये गलती से आ गया ये मकान में, किसका मकान है, किनका मकान है? अच्छा, भैरूलाल मीणा, भैरूलाल जी मीणा जी के मकान से हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है, और बीजेपी से हमें इन्होंने डायरेक्टर का चुनाव लड़ा था अभी, बहुत बढ़िया बात है। और इनके बेसमेंट में आ गया, इन्होंने समय रहते हुए हमको बुला लिया, इस जीव को बचा लिया, इनका बड़ा योगदान है, क्योंकि अधिकांश ऐसे जीवों को
दिखते ही मार दिया जाता है, परंतु इन्होंने सहानुभूति रखी, दया रखी इस जीव के प्रति और इन्होंने हमें बुलाया। और मैं रेश कुंवर समीर अहमद, रेश कुंवर निशान खान और पीयूष शर्मा हमारे कैमरामैन अभी कैमरा संभाले हुए हैं, और सुनील जी मीणा, हम चारों आए हैं, पांचों आए हैं और इस शाम को हमने रेस्क्यू कर लिया है। पुनर्वास हेतु इसको रणथंभौर के जंगलों में छोड़ देंगे, जिससे ये आगे का जीवन जिएगा। बहुत अच्छी बात है कि ऐसे जीव जंतु बच रहे हैं। और हमारे सवाई माधोपुर में एक मुहिम हमने जो चला रखी है, वो मुहिम हमारी चल रही है और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसे जीव जंतु हमारे लिए कितने जरूरी है, हमारे पर्यावरण में कितने जरूरी है, क्योंकि किसानों का सबसे बड़ा हित ऐसी होता है ये। तो हम इसको लेके चलते हैं। लाओ जी, अपनी दया पे जी रहे ले ले बाबू, या इसको ऐसे कर लेंगे। मैं श्यामा दोस्तों, हमने इसको पैक कर लिया डिब्बे में। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और भारतीय नाग जिसे हम बोलते हैं, नेहरूलाल जी मीणा साहब के यहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया है। पुनर्वास हेतु रणथंभौर के जंगल में इसको रिलीज कर देंगे, जिससे आगे का जीवन दोस्तों हम आ गए हैं जंगल रणथंभौर अभ्यारण टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, और साथ में लाया है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो अभी हमने भैरूलाल जी मीणा साहब के यहाँ से पकड़ा था। और हम इसको छोड़ते हैं, आओ दिखाते हैं। इधर है, बहुत सुंदर। देखो हाँ समीर भाई, बस जा दोस्त, जा ये ले तेरा जीवन, खुश रहे, आनंद कर। अरे जाए ना, और बढ़ाओ समीर भाई। हाँ जाओ, जाओ भाई, जा ज़्यादा जा, जा, और मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो। देखो आप क्या ले रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। जा रहा हो गया, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो दोस्तों हमने इसको छोड़ दिया है। समीर भाई, रात का कैसा रहा मामला? सही रहा, अच्छा इसके रहा हमारा। हाँ हमने इसको कर लिया, अच्छे से इसको रिलीज कर दिया। बहुत बढ़िया रेस्क्यू किया है आज समीर भाई ने किया है, और हाँ, और ये हमारे पीयूष, क्योंकि दिख रहे नहीं थे कैमरे में क्योंकि खुद चला रहे थे वीडियो। तो मित्रों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी जीव की जान बचाते हुए, उसकी हेल्प करते हुए, उसकी मदद करते हुए, और उन लोगों का डर दूर करते हुए जिनके बीच में ये भूले भटके आ जाते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम।